कि सही मानों में हम फॉलोअर और लीडर का जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश कर सकें ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अब इस साइको डायनामिक प्रस्पेक्टिव को समझने के लिए वी हैव गॉट अ साइको एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रस्पेक्टिव इन दो बातों को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहली चीज जो एक लीडर को एनालाइज करनी है वो है फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थेरी परस्पेक्टिव कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिवेलप कैसे हुई

कैसे करती है वहां पर प्रैक्टिस वो क्या हैं वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन वो क्या हैं इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चरल डिटेल नहीं होगी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के थे नहीं होंगे वहां पर एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि रिटर्न फॉर्मेट में नहीं होता और ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली फॉलोअर और लीडर के दरमियान है और जो बुनियाद रखता है उसके ट्रस्ट के ऊपर जो बुनियाद रखता है कि लोग किस कदर उसकी क्रेडिबिलिटी को समझते हैं और किस कदर वो उसको आइडियालाइज करते हैं सो so एक लीडर को जो अपने इंप्लॉइज के साथ उसका एसोसिएशन है उस साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को भी वो समझे उसके लिए जरूरी होगा इसी के साथ साथ एक लीडर को यह भी बात सोचनी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफाइंड प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिटेल क्या है वहां पर एस क्या हैं वहां पर किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना जरूरी है किन स्टैंडर्ड्स के बारे में हमें लाजमन अमल अमल करना है लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड्स नहीं हैं वहां पर इमोशंस एंड मूड्स भी हैं वहां पर लोगों के क्रिएटिव थॉट्स एंड आइडियाज भी हैं वहां पर उनके जज्बात और एहसास भी हैं सो so, एक लीडर को बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा प्रोसेस में स्ट्रक्चरल डिटेल्स में और दूसरी तरफ इमोशंस मूड्स और लोगों के आइडियाज में और साइकोडायनामिकली इन बातों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उनका साइको एनालिसिस करना पड़ेगा जानने के लिए कि इन एसोसिएशन को हम बेहतर तौर पर कैसे स्टैब्लिश वो कर सकते हैं अगर हम साइको एनालिसिस को एक स्टेप आगे और लेकर चलें तो वी हैव टू डायग्नोज द इश्यूज द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उस क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए हमें तीन लेवल्स पर ऑपरेट करना है वो नीड टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल लेवल डायग्नोसिस जब हम इंडिविजुअल लेवल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहां पर हमें इंडिविजुअल परस्पेक्टिव उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उनके इमोशंस एंड मूड्स एक तरफ तो इनको देखना है और जॉब्स के हवाले से जब हम इंडिविजुअल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट द जे सी एम जेसीएम स्टैंड फॉर जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल और जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल में हम डायग्नोसिस के दरमियान इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि लोगों की स्किल वराइटी टास्क आइडेंटिटी टास्क सिग्निफिकेंस ऑटोनोमी फीडबैक इन तमाम एस्पेक्ट्स को हमने जॉब्स के साथ कैसे एसोसिएट किया है और उन एसोसिएशन से जॉब में एनरिचमेंट एंड एनलार्जमेंट कितनी है उस जॉब को एग्जीक्यूट करने में लोगों को किन मुश्किल का सामना होगा उनका स्ट्रेस लेवल क्या होगा उनके मोटिवेशनल क्या होंगे ये तमाम चीजें हैं जो इंडिविजुअल लेवल जॉब डायग्नोसिस के अंदर हम डिस्कस करते हैं द सेकेंड थिंग इज ग्रुप लेवल एनालिसिस और जब हम ग्रुप लेवल एनालिसिस की बात करते हैं तो ग्रुप डायग्नोसिस में ग्रुप डायनामिक्स ग्रुप फॉर्मेशन ग्रुप में क्या पोटेंशियल है किन लोगों पर मुश्तमिल वो ग्रुप है उन लोगों की बैकग्राउंड्स क्या है उन लोगों के टास्क स्ट्रक्चर्स कैसे डिफाइन किए गए उनके एसोसिएशन को हम डायग्नोसिस ऑफ द ग्रुप में वो गो थ्रू करेंगे और जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल डायग्नोसिस की बात करें तो ऑर्गेजेशन लेवल डायग्नोसिस में नो डाउट वी हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल एनवायरमेंट एंड टॉक अबाउट डायग्नोसिस में कल इन साइड नहीं है कल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी है और हमें ये देखना पड़ेगा कि आउटसाइड कल्चर और इनसाइड साइड कल्चर की आपस में एसोसिएशन क्या है ताकि हम ये जान पाए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चरल डिटेल है आया इट इज हाई context और लो कॉन्टेक्सट और उसी हवाले से हमें कल्चरल कंपेरिजन भी करने पड़ेंगे हमें ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विजन भी देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में किस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहती है तो ये तमाम तर जो डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स हैं ये डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स हमें इस बात की मदद देते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को उसमें मौजूद ग्रुप्स डिपार्टमेंट्स को उन ग्रुप्स में मौजूद इंडिविजुअल्स को वो जान पाए अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस उस वक़्त डेवलप करती हैं जब एक लीडर साइको करना जानता हो जब वो ये जान पाए कि उसके डायग्नोसिस के मुताबिक इंडिविजुअल लेवल ग्रुप लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल इशूज क्या हैं और फिर उन इशूज को हल करने के लिए उसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद हो थैंक यू